Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mahima Gallery. It's my second video और आइए बचपन की कुछ यादें ताज़ा करें. वो थोड़ा सा वक्त था जब सब कुछ परफेक्ट था, न जिंदगी की भाग दौड़ न किसी चीज़ की चिंता. मैं तो बस खिलौनों पर मरती और अपनी बहन के साथ जी भर के झगड़ती. याद है मुझे वो मिट्टी का खिलौना और शैतानियाँ करके मम्मा पापा की डांट सुनना, दादी के कमरे से चुपके से आम खाना, फिर सारा इल्ज़ाम चूहे पर लगा देना और जलती आग में पटाखा फोड़ के घर वालों को डरा देना. मेरा बचपन एक खूबसूरत कहानी है जो मुझे आप सबको बतानी है. क्या दिन थे ना वो भी, जो बट्टी मट्टी कट्टी कहकर ब्रेकअप कर देते थे, फिर थोड़ी देर में खेलने के लिए पैचअप कर देते थे. शकला का बुम बुम की पेंसिल और सोनपरी की जादुई छड़ी, शरारत में जिया और नानी की चुटकी भी तब रियल लगी. विकराल गबराल की डरावनी कहानियाँ, हातिम और शक्तिमान का उड़ना, ऐसे शोज को देखने के लिए सब कुछ छोड़ के बैठना, हवा चलने पर कागज़ का जहाज और पानी के लिए कागज़ की कश्ती बनाना, फ्रिज की लाइट कब बंद होती है देखने के लिए बैठ जाना, अजीब बातों पर भरोसा करते, सर एक बार बजने से है सींग निकलते, भगवान का वो लाल घोड़ा उड़ाने बैठ जाती थी, तब तो पक्का फर्स्ट आऊँगी ऐसा सोच बैठती थी. मेरा बचपन एक खूबसूरत कहानी है जो मुझे आप सबको बतानी है. वो राजा मंत्री चोर सिपाही, जनी मनी वेलकम के लिए पर्चियां बनाई, छुपन छुपाई खेलते वक्त किकलिस्टॉन और टिकलिस्टॉन में कन्फ्यूजन पाई, नानी के घर जाने की खबर सुन के खुशी से झूम उठना, फिर 6 घंटे पैदल चलने का गम लेकर बैठना. दूरदर्शन वाली रामायण हमने बचपन में भी देखी थी, फिर से रामायण देखकर बचपन ताज़ा हो गया. बाकी तो सब ठीक है, पर ये चंदा मामा कैसे हो गया. इन सब में मेरी एक पार्टनर थी, हाँ वो मेरी बड़ी बहन थी. आज तक सब काम साथ किए, फिर लड़ाई हो या पढ़ाई, इनके बिना लगती थी दुनिया भी पराई. बचपन में सोचती थी काश जल्दी जल्दी बड़ी हो जाऊं, अब सोचती हूँ काश बचपन में ही वापस चली जाऊं. बचपन की कुछ यादें हैं जो हमेशा हंसा देती है, और ये यादें फिर से वापस जाने की इच्छा जगा देती है. तब कितना सरल था मन, अब बहुत याद आता है बचपन.